नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिस्किट का केक। उसके लिए मैंने 2 पैकेट बिस्किट ले लिए हैं। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं और इनको मिक्सी में हम बारीक पीस लेंगे। बिस्किट मैंने पीस लिए हैं, इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से पिसी हुई चीनी मिलाएंगे और साथ में कोको पाउडर आप चाहें तो डालें। इनको मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप इन तीनों को छान भी सकते हैं, जिससे अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालते हुए से मिक्स करेंगे। बहुत पतला नहीं करना, इसलिए धीरे धीरे हम दूध डालेंगे इसमें। इधर मैंने लो फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा दी है प्री हीट होने के लिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर। इसी में मैं 2 चम्मच घी डाल दूंगी और अच्छे से इसे फेंटेंगे। इस स्टेज पर हम कुछ टूटी फ्रूटी डालेंगे, कुछ बचा लेंगे ऊपर से सजाने के लिए, और कुछ काजू डाल दिए हैं मैंने। थोड़ा सा इनो लेंगे, आधा सैशे ले लिया है। उसको हम मिक्स करने के लिए थोड़ा दूध ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए। अब जल्दी ही हम इसे गर्म बर्तन में रख देंगे। ये तैयार कर लिए बर्तन मैंने डस्ट लगा के, इसमें डालकर रखेंगे हम। इनो मिक्स हो गया है, अब हम बर्तन में इसको पलट लेंगे। बैटर के ऊपर मैंने कुछ काजू लगा दिए हैं, कुछ स्प्रिंकलर्स डाल दिए हैं। अब हम इसे पैन में रखें। प्री हीट किया हुआ बर्तन हमारा तैयार है, उसमें हम अपने बैटर को रख देंगे और साथ में ऊपर से कोई भी बर्तन जो इस पर सेट हो जाए उससे ढक देंगे। 20 मिनट रखेंगे हम। ये देखिए केक हमारा पक चुका है, इसे चेक कर लेंगे हम। तैयार है केक हमारा। ये देखिए केक ने किनारी छोड़ दी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए तैयार है केक हमारा। अब हम इसको काट कर देखते हैं। ये देखिए स्पंजी और सॉफ्ट केक हमारा रेडी है। कितना स्पंजी है, सॉफ्ट है, तो ये आप भी बनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।